नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टॉकीज। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होगा कलयुग का अंत और आप कैसे पता करेंगे कि कलयुग आ गया है। वहीं दूसरी ओर विष्णु पुराण में एक कहानी के द्वारा ये भी बताया गया है कि कलयुग है सबसे उत्तम युग। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। भगवान विष्णु ने कहा है ऐसे होगा कलयुग का विनाश। भगवान विष्णु संसार को चलाने वाले हैं, वे दुनिया के रक्षक हैं। इस संसार को चलाने की जिम्मेदारी भगवान शिव जी ने विष्णु जी को दी थी, क्योंकि विष्णु जी के पास सुंदरता के साथ तीव्र बुद्धि भी है। विष्णु जी ने स्वयं बताया है कि किस तरह कलयुग शुरू होगा और कैसे इसका विनाश हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि कैसे होगी कलयुग की शुरुआत। भगवान विष्णु जी ने कहा है कि इस दुनिया में जब पाप ज्यादा हो जाएगा तो समझ जाना कि कलयुग की शुरुआत हो गई है। मगर एक आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि कलयुग शुरू हो चुका है, तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसी के कुछ संकेत। भगवान विष्णु ने कहा है कि कलयुग की शुरुआत सबसे पहले स्त्री के बालों से होगी, जिन बालों को स्त्री का श्रृंगार कहा जाता है। कलयुग में सभी महिलाएं अपने बाल काटना शुरू कर देंगी। कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्राकृतिक खूबसूरत बालों को रंगना शुरू कर देंगे। कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। बेटा उठाएगा बाप के ऊपर हाथ। जिस दिन एक बेटे ने अपने बाप के ऊपर हाथ उठाया तो समझ जाना कि कलयुग चरम सीमा पर है। हर घर में कलह कलेश होगा, कोई आपस में मिलकर नहीं रहेगा। लोग अपने ही घर में अपनों को मारेंगे, सत्य असत्य में बदल जाएगा। कलयुग में कोई भी एक दूसरे से सच नहीं बोलेगा। पति पत्नी से झूठ, पिता पुत्र से झूठ, सत्य की आंखों में पट्टी बांध दी जाएगी और हर जगह झूठ और झूठे लोगों का बोलबाला होगा। कलयुग में लड़कियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं रहेंगी, उनका अपने ही घर में शोषण होगा। अपने ही घर के लोग उनके साथ व्यभिचारी करेंगे। बाप बेटी बहन भाई कोई रिश्ते नहीं रहेंगे। कलयुग में शादी सिर्फ एक समझौता बनकर रह जाएगी। न पत्नी पति की इज्जत करेगी, न पति पत्नी की। शादी जैसा पवित्र रिश्ता अपवित्र हो जाएगा। किसी की भी शादीशुदा जिंदगी टिक नहीं पाएगी। पति पत्नी एक दूसरे से बेवफाई करेंगे। उम्र का कम होना, जिस तरह से सतयुग के लोगों की उम्र लंबी होती थी और उनकी मृत्यु भी बहुत अच्छी और सुलभ होती थी, मगर कलयुग में किसी भी व्यक्ति की उम्र 20 या 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। उसे कलयुग में अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। इंसान की मृत्यु बहुत बुरे तरीके से होगी। कलयुग में बेईमानी का राज होगा। लोग एक दूसरे को ठग कर पैसा कमाएंगे। कोई किसी को मारेगा तो कोई किसी का हक छीन लेगा। लोग अपनों से ही करेंगे गद्दारी। कलयुग में ना कोई कानून होगा ना व्यवस्था। कोई किसी से नहीं डरेगा, सब अपने मन की करेंगे। हर कोई इंसान पैसों के लिए कुछ भी कर जाएगा। कलयुग में देश में चारों ओर अकाल और भुखमरी फैलने लगेगी। ऐसा तब होगा जब कलयुग चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। वहीं भगवान विष्णु जी ने कहा है कि जब 7 वर्ष की कन्या माँ बनेगी तो समझ जाना कि यह घोर कलयुग चल रहा है और अब कुछ ही समय में इसका अंत भी होने वाला है। विष्णु यानी कि मैं, शिव और विष्णु एक हो जाएंगे और फिर हम सब मिलकर करेंगे इस युग का अंत, क्योंकि सृष्टि को बनाना और उसे बिगाड़ना हमारा ही काम है। जब कलयुग हम पर हावी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर इस युग का अंत कर देंगे। सबसे पहले प्रलय शुरू होगा पानी से, उसके बाद अग्नि से, उसके बाद वायु से और अंत में पृथ्वी से। इस तरह इस युग का अंत होगा और एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां सब कुछ फिर से सत्य होगा। तो दोस्तों, ये थे कुछ तथ्य जिनसे हमें पता चलेगा कि कैसे होगा कलयुग का अंत। उसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि विष्णु पुराण में ही कहा गया है कि कलयुग है सबसे अच्छा युग। चलिए इसके बारे में जानते हैं। सनातन धर्म और वेदों में चारों युगों की मान्यता है। माना जाता है कि सतयुग में स्वयं देवता किन्नर और गंधर्व पृथ्वी पर निवास करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में किन्नर और गंधर्वों के बारे में विस्तार से बताया गया है। सतयुग के बाद आएगा त्रेता युग। इस युग में भगवान श्री राम ने जन्म लिया और वह स्वयं श्री हरि विष्णु के अवतार थे। फिर द्वापर युग की शुरुआत हुई और इस युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने जिस तरह की लीलाएं रचाई, उनके बारे में विद्वान लोगों का कहना है कि भगवान इन लीलाओं के जरिए मानव मात्र को कलयुग में जीवन यापन करने का पाठ पढ़ा रहे थे। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग के वर्णन को करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इन सब के बावजूद जब पराशर ऋषि से सभी देवताओं ने पूछा कि सभी युगों में सबसे बढ़िया युग कौन सा है, तो ऋषि ने वेदव्यास जी के कथनों का जिक्र करते हुए समझाया कि सबसे उत्तम कलयुग है। आइए जानें व्यास जी ने विष्णु पुराण में क्यों कहा कलयुग को धन्य और सबसे उत्तम। श्री वेदव्यास जी ने वेदों का वाचन किया और भगवान गणपति ने उनके अनुग्रह पर उन वचनों को लिखित रूप में प्रस्तुत किया। श्री वेदव्यास जी को ही वेदों का रचनाकार माना जाता है।
वेदव्यास जी से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग कहा है। यह चौंकाने वाली बात जरूर है क्योंकि कलयुग में तो सबसे अधिक पाप और अत्याचार होगा। वेदों और धार्मिक ग्रंथों में ऐसा कहा गया है। अगर ऐसा हो तो कलयुग सबसे श्रेष्ठ कैसे हुआ? विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिजन और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेदव्यास जी कहते हैं, मुनिजन सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य पाता है, त्रेता में वही पुण्य 1 साल में तप द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है, तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल मिस्ट्री टॉकीज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।